हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की शॉर्ट ट्रिक। तो आप इस वीडियो को देखते रहे शुरू से लेकर एंड तक। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी आपकी बोट एंड स्ट्रीम और बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेरा दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है, तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और इस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर लाभ होगा तो आपको किस कंडीशन में लाभ होगा? जितने की आपने चीज़ खरीदी थी अगर उससे ज़्यादा में बेच दी जाए तो आपको लाभ होगा, यानी कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको? लाभ। यानी कि आपने क्रय मूल्य इतने में खरीदी थी और इससे ज़्यादा में बेच दी, तो कब लाभ होगा आपका? जब आपका क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ठीक है? यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, सीपी आपकी कम होगी, ठीक है? हानि कब होगी? जितने में आपने खरीदा उससे कम में आपको बेचना पड़ जाए तो आपको हानि हो जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब आपका क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और जो विक्रय मूल्य है जितने में आपने उसको बेच दिया, जितने में उसको खरीदा था उससे कम में बेच दिया, तो आपको हानि हो जाएगी। यानी कि इस कंडीशन में आपकी सीपी ज़्यादा रहेगी और सेलिंग प्राइस कम रहेगी, ठीक है? ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। तो देखिए, प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, यानी कि क्रय मूल्य पे ही निकलता है। अगर प्रॉफिट निकाले या चाहे लॉस निकाले, उसकी परसेंटेज निकालनी है तो नीचे कौन सी आएगी? कॉस्ट प्राइस, ठीक है? ये निकलता है। और डिस्काउंट की भी मैं बता देता हूँ, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे निकलता है। किस पे निकलता है? एमआरपी पे। चलिए देखिए, अगर हमें निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज, तो मैंने क्या बताया था? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगी, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर प्रॉफिट लिख देंगे, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस लिख देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है? ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। इसकी ट्रिक क्या होगी, अगर आपको कभी भी नहीं भूलेंगे और ना आपको कभी सोचना पड़ेगा। प्रॉफिट कब होगा? जितने में आपने खरीदा और जितने में आपने बेच दिया, उन दोनों का अंतर, उन दोनों का डिफरेंस। और नीचे आ जाएगा आपका हमेशा उन दोनों में से जोन सी भी छोटी होगी, ठीक है? इसमें अब आपको सोचना नहीं है कि इनमें से कौन सी सीपी है और कौन सी आपकी एसपी है, कौन से आपका क्रय मूल्य और कौन सा विक्रय मूल्य है, वो आपको सोचना नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज जब भी निकालनी होगी, जितने में आपने खरीदा और जितने में आपने बेच दिया, दोनों का अंतर ले लो और उन दोनों में से जोन सी भी छोटी है उसे नीचे लिख दो और गुणा कर दो 100 से, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ध्यान रखने के लिए, ध्यान रखना है, प्रॉफिट परसेंटेज में हमेशा नीचे आती है छोटी अमाउंट। अभी आपको ये लग रहा होगा कि क्या मैं बता रहा हूँ, जब आपको क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको बीच में समझ में नहीं आएगा कि नीचे कौन सी डिजिट आएगी, ठीक है? तो हमेशा प्रॉफिट में नीचे छोटी आएगी और लॉस में नीचे बड़े वाली आएगी, ठीक है? तो डिफरेंस इन बोथ, यानी कि जितने में खरीदा और जितने में बेच दिया, उन दोनों का अंतर, और भाग कर देंगे बड़े वाली अमाउंट से और गुणा कर देंगे 100 से, तो आपकी प्रॉफिट सॉरी लॉस परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1862 रुपये में खरीद कर 1900 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसने 1862 रुपये में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया, यानी कि उसे प्रॉफिट हुआ होगा, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? इन दोनों का अंतर, यानी कि ये माइनस नहीं है यहाँ पे, ये है अंतर, ठीक है? डिफरेंस इन दोनों का। और नीचे मैंने बताया प्रॉफिट में नीचे छोटे वाली, और नीचे छोटी लिख देंगे, गुना कर देंगे 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा? इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 38, और नीचे छोटे वाली गुना करेंगे तो कट के आ जाएगा 2.04 समथिंग आएगा, तो आपका मान लीजिए 2% आपका आपको लाभ हो गया, ठीक है? ये आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। सही, वस्तु को 2000 रुपये में खरीद कर 1800 रुपये में बेच दिया गया, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि आपने ज़्यादा में खरीदा था और कम में बेच दिया तो हानि हुई, तो इसकी प्रतिशत कैसे निकालनी है? मैंने आपको बताया था दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस लिखा, और नीचे हमने ले लिया छोटे वाली सॉरी बड़े वाली अमाउंट, लॉस हुआ है तो नीचे कौन सी आएगी? बड़े वाली, ठीक है? और गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का अंतर कितना आ गया आपका? 200, और नीचे आपकी बड़े वाली अमाउंट आ गई 2000, और गुणा कर देंगे 100 से, तो 0 से 2 0 कट जाएगी, और 20 से इसको काटेंगे तो 10% का आपका लॉस आ जाएगा, ठीक है भाई?
आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूँ दो तरीके के क्वेश्चन, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। निशा एक स्कूटी को 70,000 रुपये में खरीद कर 5% हानि से बेच देती है। निशा ने स्कूटी कितने में बेची? एक तो निकालना है हमें निशा ने स्कूटी कितने में बेची। यदि निशा 5% लाभ अर्जित करे, यानी कि उस पर 5% प्रॉफिट कमाए स्कूटी पे करना चाहे, तो उसे स्कूटी कितने में बेचनी होगी? तो दो चीज़ हो गई, अगर निशा ने 5% हानि पे बेच दी तो तब कितने में बेचेगी, और उसे 5% प्रॉफिट पे बेचनी है, लाभ पे बेचनी है, तो कितने में बेचेगी। दो कंडीशन हो गई। तो ये जो 70,000 है ये हमारी 100% की वैल्यू है, ठीक है? निशा एक स्कूटी को 70,000 रुपये में खरीदती है, यानी कि CP हो गया, और ये कितनी होगी, 100% की वैल्यू हो गई। तो एक बार तो इसे 95% पे बेचना है, यानी कि 5% का लॉस होगा, तो इसका मतलब इसे 95% पे बेचना है। एक बार इसे 5% प्रॉफिट पे, यानी कि एक बार इसे बेचना है 105% पे। दो कंडीशन हो गई ना, एक बार 5% के लॉस पे बेचना है और एक बार 5% के प्रॉफिट पे बेचना है। लॉस पे बेचेगी तो कैसे निकालना है देखिए, बहुत सिंपल है, बिल्कुल हलवा चीज है ये। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इनका बहुत यूज होने वाला है आगे आने वाली वीडियोज में। देखिए 70,000 का आपका ये अमाउंट हो गया, और ये किसके इक्वल है, 100% के इक्वल है, ठीक है? और हमें बनाना इसे कितना है, लॉस पे बेचना है, तो 95, तो 95 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 66,500 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर उसे कमाना है इस पे 5% का प्रॉफिट, तो उसे 70,000 की वैल्यू है और इसे भाग कर देंगे 100 से, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 100% के इक्वल है। मैंने आपको बताया ना 70,000 कितने के इक्वल है, 100% के। हमें इसको बनाना कितने के इक्वल है, 105 के, क्योंकि 5% का इस पे प्रॉफिट कमाना है, तो इसकी गुणा कर देंगे 105 से, तो कितना आ जाएगा, 73,500 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ईजी सा इसका आपका मेथड मैं बताऊंगा, और इसको हवा बना के रखते हैं कि ये पता नहीं कैसे होगा। देखिए, यदि 24 पेनों का क्रय मूल्य 18 पेनों के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। 24 पेन जितने में खरीदे आपने, उतने में आपने 18 पेन बेच के वापिस अपना पैसा ले लिया, यानी कि 24 पेन आपने जितने भी रुपए में खरीदे थे, आपने 18 पेन बेचकर ही उन पैसों की पूर्ति कर ली, तो कितने पेन का प्रॉफिट होगा, 6 पेन का। 24 और 18 का डिफरेंस कितना का आ जाएगा, 6 पेन का। मैंने बताया है कि क्रय मूल्य आपका CP कितनी हो गई, 24 हो गई, यानी कि 24 पेन खरीदे थे और 18 बेचकर उनकी पूर्ति कर ली हमने, 24 पेन जितने में खरीदे, तो जो भी अब बचे वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 6 पेन का प्रॉफिट होगा। मैंने बताया जब प्रॉफिट होता है तो छोटी वाली अमाउंट आती है नीचे, ठीक है? तो नीचे लिख लेंगे 18 और गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका आ जाएगा, ठीक है भाई? तो 36 18 और 3 को 3 से काटेंगे 100 को, कितने का आ जाएगा, 33 सही, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है? 33 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। और आज की वीडियो में था इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपना कमेंट अपनी फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या नहीं करना है, ठीक है? तो और प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप सभी पार्ट देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।